साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र चुनाव में वोटिंग से ठीक पहले बहुत बड़ी खबर आ रही, इतनी बड़ी खबर है कि चुनाव के बाद बहुत कुछ हो सकता है, नया समीकरण नजर आ सकता है। हालात ये हैं कि उद्धव ठाकरे कहीं के नहीं रहेंगे, ऐसा हो सकता है। जी हाँ, उद्धव ठाकरे के खिलाफ एकनाथ शिंदे के साथ नाना पटोले के प्लान से खलबली मच गई है। बड़ी खबर यही है सूत्रों के हवाले से कि एकनाथ शिंदे और नाना पटोले का सीक्रेट प्लान चल रहा है, ठाकरे को घेर लिया है। यहाँ तक कि उद्धव ठाकरे को गद्दार तक कह दिया और बाद में नाना पटोले की भी एंट्री हो गई। तो बाला साहब, क्या वाकई में उद्धव ठाकरे को घर से निकाल देते? क्यों आ गई ये बात, कैसे, किसने कहा और नाना पटोले का क्या है? शिंदे के मामले में पूरा दबाव और या कहें कि पूरा दखल, सब कुछ आपको दिखाते हैं, बताते हैं। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो महाराष्ट्र में दो गठबंधनों के बीच में महाविकास अघाड़ी और महायुति के बीच में लड़ाई चली और अब एक ताजा सर्वे ने महाराष्ट्र में पहले खलबली मचाई और उसके बाद कई नेताओं के अंदर खाने जो मीटिंग्स चल रही है, सीक्रेट प्लान चल रहे हैं, उनसे बड़ा भूचाल आ गया। पहले आप सर्वे का मामला समझिए। जी हाँ, एक सर्वे एजेंसी ने अभी एक दिन पहले सर्वे जारी किया और उसके मुताबिक महाविकास अघाड़ी इस चुनाव में आगे रह सकती है। हालांकि चुनाव नतीजे क्या होंगे ये साफ नहीं है, लेकिन हाँ, पोल में जो कहा गया है उसके मुताबिक महाविकास अघाड़ी को 160 से ज्यादा सीटें मिल सकती हैं। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है और ट्विस्ट ये है कि महायुति के अंदर अजीत पवार की पार्टी को सबसे ज्यादा नुकसान हो सकता है और सिंगल डिजिट में अजीत पवार की पार्टी पहुंच सकती है। तो वहीं महाविकास अघाड़ी के अंदर उद्धव ठाकरे की पार्टी को बड़ा नहीं बल्कि बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है और उद्धव ठाकरे की पार्टी महाविकास अघाड़ी में नंबर 3 पर पहुंच सकती है। जी हां, इसी तरह का अनुमान लगाया गया जिसके बाद ही खलबली मची हुई है। यानी कि अगर ऐसा होता है तो फिर कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी यहां पर हो सकती है, उसके बाद एनसीपी शरद पवार बड़ी पार्टी हो सकती है, बीजेपी की भी सीटें ज्यादा हो सकती है, लेकिन बीजेपी अकेले दम पर सरकार बनाने लायक सीटें नहीं ला सकती है, साफ साफ सर्वे कहा गया। अब यहीं पर नया ट्विस्ट आ गया। अब इसके बाद एकनाथ शिंदे और नाना पटोले के सीक्रेट प्लान के बारे में चर्चाएं होने लगी। जी हां, अंदर खाने सूत्रों के हवाले से ये खबरें हैं कि चुनाव के बाद एकनाथ शिंदे कांग्रेस के साथ हाथ मिला सकते हैं। जी हां, ऐसी खबरें आ रही हैं, लगातार चर्चाएं चल रही हैं, इस बातों की चर्चाओं में लगातार जोर पकड़ रहा है क्योंकि कहा यह जा रहा है कि अगर उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री पद पर अड़े रहते हैं, मुख्यमंत्री पद की डिमांड करते हैं और नंबर 3 पर आते हैं तो उनको साइड किया जा सकता है, साइडलाइन किया जा सकता है। और एकनाथ शिंदे की इधर कांग्रेस और शरद पवार के साथ एंट्री हो सकती है, एकनाथ शिंदे सरकार बना सकते हैं इनके साथ मिलकर। अब कहानी यह है कि यहां पर एकनाथ शिंदे ने एक तीखा हमला उद्धव ठाकरे पर किया था और उद्धव ठाकरे को असली गद्दार कहा था। एकनाथ शिंदे ने कहा कि बीजेपी को छोड़कर उद्धव ठाकरे ने बहुत बड़ी गद्दारी की और अगर बाला साहब ठाकरे होते तो उद्धव ठाकरे को घर से निकाल देते। अब यहीं पर नाना पटोले की भी एंट्री हो गई, नाना पटोले ने बीजेपी पर हमला किया, यानी कि बीजेपी को उन्होंने यहां तक कि कुत्ता तक कह दिया था। हालात इतने ज्यादा खराब हो गए कि नाना पटोले ने जब दोबारा उनसे पूछा गया कि क्या आपने ऐसा कहा तो उन्होंने कहा कि हां मैंने कहा है और कुछ भी गलत नहीं कहा। यानी कि एक तरफ से नाना पटोले बीजेपी पर हमले कर रहे हैं, शिंदे उद्धव ठाकरे गुट पर हमले कर रहे हैं, तो इधर अंदर खाने दोनों की सीक्रेट बातों की खबरें आ रही हैं। अगर चुनाव के बाद ऐसा कुछ सीक्रेट प्लान बनता है और अगर ऐसी कोई गठबंधन बनता है तो इसमें एकनाथ शिंदे एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनने के खातिर कांग्रेस से और एनसीपी शरद पवार से हाथ मिला सकते हैं या कहें कि नाना पटोले भी इस ओर जा सकते हैं अगर उन्हें मुख्यमंत्री पद महाविकास अघाड़ी के अंदर नहीं मिलता है। तो कुल मिलाकर इस तरह का नया कोई एक बयान समीकरण चल रहा है और इस समीकरण में अब सब कुछ चुनाव के बाद ही देखने को नजर मिलेगा। तो आपका इस पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में आप भी जरूर बताएं कि क्या नाना पटोले और एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे को साइडलाइन करके ही मानेंगे या फिर कुछ और होगा। कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट। महाराष्ट्र में वोटिंग का दिन नजदीक है, 20 नवंबर को वोटिंग होनी और प्रचार के सिर्फ 4 दिन अब बचे हैं। 18 तारीख की शाम को प्रचार बंद हो जाएगा और उससे पहले ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार चल रहा है। लेकिन इस बीच उद्धव ठाकरे को हवालात में डालने की तैयारी हो रही है। जी हां, ऐसी ही खबरें लगातार मुंबई से महाराष्ट्र से आ रही है क्योंकि यहां
दो बार हेलीकॉप्टर चेकिंग के बाद इस बार उनका काफिला रोक दिया गया। और बड़ी खबर यह है कि न सिर्फ काफिला रोका गया बल्कि 2 घंटे तक उनको इंतजार करा दिया गया। तो क्या ऐसा सिर्फ हवालात में डालने के लिए किया गया? क्या ये हवालात में डालने की पहली वाली प्रक्रिया है? क्या है पूरा मामला? सब कुछ आपको दिखाते हैं, बताते हैं। आप भी इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो महाराष्ट्र चुनाव में इन दिनों चेकिंग पर जबरदस्त वार पलटवार चल रहा है। सबसे पहले उद्धव ठाकरे के हेलीकॉप्टर की चेकिंग हुई, हेलीकॉप्टर में उनका सामान चेक किया गया, यहां तक कि उनका खाना भी चेक किया गया। जिसके बाद उद्धव ठाकरे ने एक वीडियो बनाकर जारी किया और कहा कि उनको चेक किया जा रहा है। क्या नरेंद्र मोदी को, क्या अमित शाह को, क्या देवेंद्र फडणवीस को भी ऐसे चेक किया जाता है? तो इसके बाद कई और भी वीडियो आए। नितिन गडकरी की चेकिंग हुई, देवेंद्र फडणवीस की, यहां तक कि एकनाथ शिंदे की भी चेकिंग हुई। उसके बाद मामला पूरी तरह से पलटता हुआ दिखाई दिया। लेकिन इस बीच अचानक उद्धव ठाकरे के काफिले को ही रोक दिया गया। महाराष्ट्र गोवा सीमा के बीच में उद्धव ठाकरे का काफिला चुनाव प्रचार के लिए जा रहा था और उनके बेटे आदित्य ठाकरे भी यहां पर साथ में मौजूद थे, लेकिन उनके काफिले को रोक दिया गया। उनके पूरे फ्लीट को यहां पर रोका गया और साइड कर दिया गया। उनकी सारी गाड़ियों की चेकिंग की गई और यहां तक कि उनको करीब करीब 2 घंटे तक इंतजार करा गया। जी हाँ, ये खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर है। उद्धव ठाकरे के तय कार्यक्रम थे, तय कार्यक्रमों में, तय रैलियों में उन्हें जाना था, पहले से सब कुछ फिक्स था, लेकिन उनको 2 घंटे वहां पर बैठा दिया गया। और खबर यह है कि ये पुलिस चौकी के बाहर हुआ, यानी कि पुलिस चौकी वहां पर मौजूद थी और उसके बाहर वहां पर ये सब किया गया। और कहा यह जा रहा है कि उद्धव ठाकरे को गिरफ्तार करने की भी यहां पर तैयारी थी, अगर कुछ यहां पर गलत मिलता, कुछ उनके बैगेज में कुछ अलग मिल जाता। बड़ी संख्या में फोर्स यहां पर थी। सूत्रों के मुताबिक खबर है कि कुछ खबरें मुखबिर के हवाले से आई थी कि उद्धव ठाकरे के पूरे इस काफिले में कुछ अलग सा, कुछ अलग गलत मिल सकता है और उसी को लेकर यहां पर ये चेकिंग की गई। लेकिन हाँ, कि अभी तक जो खबरें आई है ऐसा कुछ मिला नहीं। लेकिन हाँ, खबरें ये थी कि अगर कुछ ऐसा मिलता है, अगर कुछ नोट मिलते हैं, कुछ कैश मिलता है या फिर कुछ ऐसी चीजें मिलती हैं जिनसे चुनाव को प्रभावित किया जा सके, तो उनको वहां पर गिरफ्तार किया जा सकता था। ये खबर यहां पर बताई जा रही है। हालांकि ऐसा कुछ मिला नहीं है, लेकिन हाँ, पूरी तैयारी पुलिस की तरफ से, पूरी तैयारी चुनाव आयोग की तरफ से की गई थी और इसीलिए काफिले को पूरा रोका गया। पूरे काफिले को 2 घंटे तक चेक किया गया। महाराष्ट्र और गोवा की सीमा के बीच का ये मामला है। यहाँ पर उद्धव ठाकरे ने इस पर भी कड़ी आपत्ति जताई है। उद्धव ठाकरे ने सीधे सीधे शिंदे सरकार पर आरोप लगाया है कि जानबूझ कर उनको रोका जा रहा है, जानबूझ कर उनको फंसाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर आपको बता दें कि वोटिंग से पहले के आखिरी 4 दिन चुनाव प्रचार में बेहद अहम होते हैं और इन्हीं 4 दिनों में हर बार वोटर्स इधर से उधर होते रहे हैं, तो इस बार भी ये 4 दिन बड़े महत्वपूर्ण हैं। हालांकि इस बीच नरेंद्र मोदी 16 नवंबर को विदेश यात्रा पर जा रहे हैं, यानी कि वो आखिरी के 3 दिन तो प्रचार नहीं कर पाएंगे। लिहाजा बीजेपी की तरफ से कुछ कमजोरी प्रचार में आ सकती है, लेकिन उद्धव ठाकरे लगातार जुटे हुए हैं और उनको इस प्रचार से रोकने के लिए हो सकता है यहां पर कुछ ऐसा करने की तैयारी हो, उनको गिरफ्तार करने की तैयारी हो, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ मिला नहीं है। तो क्या वाकई में उद्धव ठाकरे चुनाव को प्रभावित करने के लिए कुछ ऐसे सामान इधर से उधर लेकर जा रहे हैं? क्या ऐसी खबरों पर कितना यकीन किया जाए? आप क्या मानते हैं, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। और क्या अगर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता तो हंगामा नहीं बढ़ जाता? कमेंट करके आप जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।